हेलो गाइस, सौरभ हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल इलेक्ट्रो कोर्स। सो गाइस, टुडे वी आर बैक विद अ न्यू प्रोजेक्ट आइडिया विद अ न्यू वीडियो, राइट। एंड हाँ, मैंने 2 महीना हो गया कोई वीडियो नहीं डाला था, राइट, क्योंकि थोड़ा काम रह गया था, तो उसको पहले मैंने ख़त्म किया, सारा काम निपटाया, उसके बाद जाके अब मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो इसलिए एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं, राइट। सो जैसे कि आपको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा कि गाइस, हम लोगों का जो वीडियो है वो किस चीज़ के ऊपर मतलब डिपेंड करता है, वो है आपका इनविजिबल पियानो। और ये जो इनविजिबल पियानो है, मैंने इसका ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो कि इसका पार्ट वन है, वो मेरे चैनल पे है, आप जाके आप उसको फिर से देख सकते हो। और जिन जिन लोगों ने वो वाला वीडियो देखा है, आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया जानने वाले हैं। और ये जो इनविजिबल पियानो का मैं पार्ट टू बना रहा हूँ, वो पहले वाले से बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड है, ठीक है, और इसमें बहुत कुछ नया आपको सीखने को भी मिलेगा, ऑलराइट। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनविजिबल पियानो के बारे में मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो थोड़ा वेट कीजिए। तो गाइस, ये है मेरा इनविजिबल पियानो, ऑलराइट। आप देख पा रहे होंगे ये जो इसका फ्रेम स्ट्रक्चर है वो प्रीवियस वाले के साथ पूरा थोड़ा रिजोनेट करता है, थोड़ा सेम रहता है, राइट। लेकिन ये पूरा अलग है, बस मैंने उसका जो डिज़ाइन जो है उसको मैंने सेम रखा हुआ है, लेकिन इसका जो यूज़र इंटरफेस रहेगा, इसका जो वर्किंग फंक्शन रहेगा, वो थोड़ा अलग रहने वाला है प्रीवियस वाले केस से, ठीक है। और आपको अगर प्रीवियस वाला वीडियो याद होगा तो उसमें जो आप हम जो पियानो बजा रहे थे तो उसमें एक पार्टिकुलर नोट बज रहा था, राइट। जैसे कि मान लो कुछ बजर से साउंड आ रहा है, लेकिन ये वाला में हम प्रॉपरली उसको हम एक प्रॉपर पियानो ट्यून या फिर आपका गिटार ट्यून, डिफरेंट डिफरेंट ट्यून में हम इसको कन्वर्ट करके हम उसको प्ले कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे बेबी, आपको मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करना भी मत भूलेगा, राइट। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम लोग के वीडियो में हम लोग को पहले जो प्रोजेक्ट बनाना है इनविजिबल पियानो, उसके लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, राइट। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो आता है, जो आपके सामने ही है, वो है आयर सेंसर। प्रीवियस वाले वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा उन लोगों को पता होगा कि मैंने प्रीवियस वाले केस में ओनली 5 आयर सेंसर यूज़ किया हुआ था, लेकिन ये वाले प्रोजेक्ट में मैंने उसको डबल कर दिया। यहाँ पे मैं 10 आयर सेंसर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग नोट्स, अलग अलग पियानो ट्यून्स में उसको बजाने वाला हूँ, रन करने वाला हूँ, राइट। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। अब इसके बाद गाइस, इसके बाद जो हमारा आता है एक स्पेशल कंपोनेंट, जो कि है गाइस ये आपका आर्डुइनो, राइट। सो बोल रहे हो आप, आपके दिमाग में ये अभी चल रहा होगा कि इसमें इतना खास क्या है, कि ये तो वही है ना, आर्डुइनो ही तो है, इसमें नया क्या है। लेकिन गैस, ये थोड़ा अलग है, ये आर्डुइनो उनो नहीं है, ये है आर्डुइनो लियोनार्डो, राइट। और आर्डुइनो उनो और आर्डुइनो लियोनार्डो में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि आर्डुइनो उनो का जो चिप रहता है आर्डमेगा, वो मतलब डायरेक्टली मतलब इनबिल्ड होके नहीं रहता, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन इसमें आप ये डायरेक्ट देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे सोल्डिंग होके है, ये डायरेक्टली इंस्टॉल्ड है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, राइट। सेकेंडली, जो सबसे मेजर मेरे को अच्छा लगा आर्डुइनो लियोनार्डो का, वो ये है कि आर्डुइनो लियोनार्डो में अब मिडी ओवर यूएसबी सपोर्ट करता है, जो कि आर्डुइनो उनो में करता नहीं है, राइट। तो अब अभी क्वेश्चन ये उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर, ये मिडी ओवर यूएसबी है क्या और इसका क्या जरूरत है हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये मिडी होता क्या है, राइट, और इसका हमारे प्रोजेक्ट में क्या काम है। तो सबसे पहले गाइस, पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्चुअली मिडी होता क्या है। जो जो लोग मतलब जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोग कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूँ जिन जिन लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं जिन लोगों को ये बात इसके बारे में नहीं पता, ठीक है, जो व्यूअर्स हैं हमारे, तो उनको थोड़ा मैं ये बता देता हूँ, राइट। सो जो मिडी होता है गाइस, मिडी का आपका नॉर्मली फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये करता क्या है, राइट। जो मीडी जो होता है गाइस, मीडी एक तरह का डिवाइस होता है, जो आपने ऑलरेडी वो देखा भी होगा रेगुलरली आपने कभी ना कभी उसको देखा होगा, उसका इमेज अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस लेफ्ट या राइट में, राइट। तो ये मीडी जो डिवाइस होता है गाइस, ये ज़्यादातर आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है या फिर हार्डवेयर बेस्ड भी होता है, ओके। एंड जो मीडी जो होता है, उसका जो सिग्नल रहता है
जो इंटरफेस करने के लिए जो कोई अगर मान लीजिए कोई ऐप है, म्यूजिकल ऐप है या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ मीडी क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। और आप मीडी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक टोन आप क्रिएट कर सकते हो। जो मीडी क्या करता है, मीडी आपका वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो नोट्स वगैरह रहता है, ठीक है, उनका वो जनरेट करता है, उसका डाटा सिग्नल जो है उसको जनरेट करता है, उसके साथ साथ उसको वो ट्रांसमिट भी करता है। और ये जनरेट करने के बाद जो ट्रांसमिट करता है वो सिर्फ उसी उन्हीं लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है, उसी ऐप को या फिर उसी डिवाइस को वो ट्रांसमिट कर सकता है जो कि मीडी का जो इनेबल डिवाइस होगा, जो मीडी इनेबल डिवाइस होगा जिसमें मीडी सपोर्ट कर रहा होगा सिस्टम मीडी का, वहीं पे ही वो ट्रांसमिट कर सकता है, राइट। जैसे कि हमारा ये आर्डिनो लियोनार्डो, ये मीडी यूएसबी सपोर्ट करता है, यूएसबी के थ्रू मीडी सपोर्ट कर सकता है, जो कि हमारा आर्डिनो नानो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे आर्डिनो है, आर्डिनो नानो हो गया, मेगा हो गया, उनो हो गया, राइट, ये सब हमारे मीडी यूएसबी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन लियोनार्डो करता है। तो बेसिकली अगर कोई आर्डिनो जिसका आपका जो माइक्रोप्रोसेसर है, राइट, अगर वो 32U4 का है या फिर 16U2 का है, तो जान लीजिएगा कि उसमें मीडी यूएसबी सपोर्ट जरूर करेगा, ओके। ये छोटा सा नोट है आपके लिए, राइट। उसके साथ साथ जो मीडी रहता है वो दो टाइप का मीडी रहता है, ठीक है। एक मीडी डिवाइस जो रहता है वो आपका जो नोट्स सिग्नल रहता है, जो कि पियानो नोट हो गया, गिटार का नोट हो गया, म्यूजिकल जो सिग्नल रहता है वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है, जनरेट करके ट्रांसमिट कर सकता है। एक तरह का मीडी ऐसा होता है जो कि रियल टाइम डाटा ट्रांसमिट करता है, राइट। तो मीडी से हम लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हम प्ले कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम पॉज, प्ले, स्टॉप, ये सब भी हम उसको एक्चुएट कर सकते हैं इंटरफेस करके, ऑलराइट। तो ये था गाइस मीडी के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आई होप कि आपको इससे मीडी के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज तो आ गया होगा गाइस, राइट। और अगर और ज्यादा नॉलेज जानना है, अगर आपको ये जानना है कि अब अगर आर्डिनो में, तो मैंने बहुत मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आर्डिनो यूनो में सपोर्ट नहीं करता मीडी, तो अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो आर्डिनो यूनो को यूज करके, अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है वो भी हो सकता है। और उसका जो कैसे प्रोसीजर है थोड़ा लेंदी है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और मीडी के ऊपर भी जितना आपको डिटेल जानना है, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड सपोर्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, कौन सा लाइब्रेरी इंक्लूड होगा, उस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब वहां जाके आप उसको पढ़ के स्टडी कर सकते हो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए, इसका मीडी के ऊपर तो आपको नॉलेज आ गया, ठीक है। आर्डिनो लियोनार्डो हम क्यों यूज कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया। तो अभी हम हमारे प्रोजेक्ट में मीडी का क्या काम, अभी मैं बताता हूं। तो मान लीजिए मेरा जो आर्डिनो है, जो आर्डिनो लियोनार्डो है, वो मीडी सिग्नल वो ट्रांसमिट करने के लिए काम आएगा, लेकिन जनरेट कौन करेगा, ये आयर सेंसर, राइट। तो हमारा जो आयर सेंसर है वो एक इनपुट प्रोवाइड करेगा मेरे आर्डिनो को, राइट। और जो मेरे आर्डिनो में मीडी सपोर्ट करता है तो वो क्या करेगा, वो सिग्नल को वो एज ए नोट मेरे एक वर्चुअली कोई, मतलब मान लीजिए कोई ऐप है, ठीक है। जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है, मैं इसका जो आउटपुट है वो मैं एक ऐप में आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपका पियानो ऐप होता है, प्ले स्टोर में आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐप होता है जिसमें आप ड्रम बजा सकते हो, गिटार प्ले कर सकते हो, पियानो बजा सकते हो, ऑलराइट। तो वैसा मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है मेरे लैपटॉप में, जो कि मीडी यूएसबी सपोर्ट करता है, मीडी इनेबल डिवाइस मतलब सपोर्टिव ऐप है वो, राइट। तो उसी ऐप के थ्रू मैं इससे वहां पे कैसे हम नोट प्ले कर सकते हैं यूजिंग आयर सेंसर, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल नोट प्ले करेंगे, चाहे वो गिटार का हो, पियानो का हो, और उसमें आपको डिफरेंस भी पता चलेगा एकदम क्लियर। जैसे कि प्रीवियस वाले केस में क्या होता था, बजर का साउंड बजता था, आपको पता भी नहीं चलता कि ये पियानो बज रहा है, गिटार बज क्या है, लेकिन इसमें आप पूरा डिफरेंस आप इसको पता चल पाएगा आपको, राइट। तो ठीक है, ओके, तो इतना तो आपको पता चल गया। तो हमारा आर्डिनो मेरे आयर सेंसर से इनपुट लेगा, वो मीडी सिग्नल जनरेट करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा मेरे ऐप में, जो मेरे लैपटॉप में, राइट। और उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट नोट प्ले होगा। आप देख पाएंगे वर्चुअली कि लैपटॉप का जो पियानो का जो ऐप रहेगा उसमें पियानो प्ले हो रहा है यूजिंग दिस आयर सेंसर। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है गाइस, और इसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप इसको अगर आप कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मतलब इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो, मान लीजिए चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से भी हो, आप ये प्रोजेक्ट आप अपने कॉलेज में थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर माइनर या मेजर प्रोजेक्ट में आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, और ये काफ़ी इंप्रेसिव भी रहेगा, ये आप लिख के ले लीजिए, राइट। तो चलिए गए अभी मैं इसका आपको वायरिंग कनेक्शन जो है समझा देता हूँ, ठीक है। तो फटाक से इसको कंप्लीट करेंगे और सीधा हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जाएगी, जो कि बहुत ईजी है,
तो जो आयर सेंसर देख रहे हो राइट सर्किट कनेक्शन में, इन सब का जो आउटपुट वाला रहेगा पिन रहेगा वो आपका 3 से लेकर 13 तक कनेक्ट है राइट, 3 से लेकर 12 तक कनेक्ट रहेगा ऑलराइट। और जो ग्राउंड पिन रहेगा और जो पॉजिटिव पिन रहेगा वो आर्डिनो के ग्राउंड पिन और पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट रहेगा राइट। हम मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल सप्लाई यूज करने वाला हूँ, जाहिर सी बात है इतने सारा आयर सेंसर है तो थोड़ा ज्यादा सप्लाई भी हमको चाहिए होगा, तो मैक्सिमम मैं 9 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगाने वाला हूँ ठीक है। आई थिंक उसमें वो काम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा और वोल्टेज प्रोवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ओके। तो वायरिंग कनेक्शन बस उतना ही है गाइस, इसका आउटपुट पिन आपके आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 3 से डिजिटल पिन नंबर 12 तक कनेक्ट रहेगा। आप सिक्वेंशियली इसको कनेक्ट करिए तभी अच्छा है, इधर लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट ओके। एंड इसका जो पॉजिटिव एंड ग्राउंड पिन है आर्डिनो के पॉजिटिव एंड ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 रेल्स ऐसे लगाए हुए है आपका ब्रेडबोर्ड का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो कि इजिली आपको वायरिंग कनेक्ट करने के लिए वो इजी रहेगा ओके। तो चलिए फटाक से इसका वायरिंग कनेक्शन खत्म कर देते हैं और डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर सॉरी आर्डिनो कोड के ऊपर ओके। ओके गाइस, तो चलिए अभी हम लोग अपना आर्डिनो प्रोग्रामिंग के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आर्डिनो प्रोग्रामिंग कैसे कैसे रहने वाला है राइट। सबसे पहले तो आपको 2 लाइब्रेरीज चाहिए होगा, आपको ऐड करना है आपके आर्डिनो आईडी में। सबसे पहला आता है आपका कंट्रोल सरफेस मेन का लाइब्रेरी और दूसरा आता है आपका मिडी यूएसबी मास्टर का लाइब्रेरी। इस दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके ये दोनों का जो जिप फाइल है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको करना ये है, आर्डिनो आईडी ओपन करना है, स्केच में जाना है, यहाँ पे जाके आपको इंक्लूड लाइब्रेरी के ऑप्शन में जाके ऐड जिप लाइब्रेरी करके आपको यहाँ से ऐड कर देना है आपके लाइब्रेरीज ओके। मेरा लाइब्रेरीज ऑलरेडी ऐड हो चुका है यहाँ पे, तो मुझे करने का कोई जरूरत नहीं है गाइस। एंड एक और बात, मैं ये जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसमें आर्डिनो लियोनारो लेके कर रहा हूँ क्योंकि वो मिडी यूएसबी सपोर्टेड होता है। मान लीजिए आपके पास कोई मिडी यूएसबी इनेबल टाइप का सपोर्टेड टाइप का आपके पास माइक्रो कंट्रोलर नहीं है तो क्या आप आर्डिनो उनो को लेके ये कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, आप आर्डिनो उनो को लेकर भी आप ये कर सकते हो राइट। उसके लिए आपको थोड़ा आर्डिनो का ये जो साइट है वेबसाइट है आर्डिनो की वेबसाइट में जाके आपको थोड़ा ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा आपको रीड करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको ये सब चीज़ों के ऊपर, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे करके आपको मतलब आर्डिनो उनो को लेके आप कैसे ये सब कर सकते हो ठीक है। पॉसिबल है बट थोड़ा लेंदी रहेगा ओके ठीक है। तो उसके बाद गाइस अभी हम चलते हैं हम लोगों का जो आर्डिनो उनो का सॉरी आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग है उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं राइट ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ले लिया है मेरा कंट्रोल सरफेस डॉट एच का लाइब्रेरी ठीक है, जो मैंने ऐड किया हुआ था उसको मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपका यूएसबी मीडिया इंटरफेस का आ गया यहाँ पे। यहाँ पे गाइस आप ये देखिए ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। अगर आपको कोई नया डिजिटल पिन ऐड करना है, मान लीजिए ये जो प्रोग्राम मैं आपको देने वाला हूँ जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इसमें 10 इनपुट्स है ऑलराइट। अगर आपको 10 से ज़्यादा चाहिए हो तो आप कैसे एक एक्स्ट्रा इनपुट आप क्रिएट कर सकते हो वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। अब ये वाला टर्म को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा इसको जूम करके हाँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नोड बटन नंबर 1 ठीक है, जो कि डिजिटल पिन असाइन है 3 के साथ, आर्डिनो का डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ असाइन है। और नीचे जो हमारा मिडी का नोड्स है थ्रू चैनल 1 जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है C4 नोड्स बोल के ठीक है, C4 नोड मेंशन किया हुआ है थ्रू चैनल 1 राइट। अब इस आपको अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा एक और नोड क्रिएट करना है आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये वाले पार्ट को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लिया सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करके आपने पेस्ट कर दिया। अभी आपको करना यह बटन का नेम चेंज करना है, मान लीजिए मेरे बटन का नेम मैंने यहाँ पे 11 कर दिया राइट। एंड इसका डिजिटल पिन कितने में असाइन करूंगा, मान लीजिए मैंने इसको 2 पे असाइन कर दिया राइट। और जो मिडी नोट है अब इसको भी चेंज कर सकते हो, ये पहले C4 था अब मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, मैं इसको D और यहाँ पे 4 को भी चेंज कर दूंगा, मैं D6 कर दूंगा ठीक है, ये कोई डिफरेंट नोट बन गया अभी ठीक है। तो ऐसे करके आप एक्स्ट्रा इनपुट यहाँ पे ऐड कर सकते हो खुद से ओके गाइस ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है। तो ऐसा करके मैंने सारा जो मेरा इनपुट पिन है मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। आफ्टर दैट इसका जो लूप और सेटअप बहुत ईजी रहता है, वर्ड सेटअप में रहता है कंट्रोल सर्विस डॉट बिगिन, वो इसको कंट्रोल सर्विस डॉट बिगिन में होता ही है गाइस। जो कंट्रोल सर्विस लाइब्रेरी है ये मेरा इंटरफेस करवाता है मेरा एक मीडी इनेबल डिवाइस से मेरे माइक्रो कंट्रोलर को, ये दोनों को इंटरफेस करने में हेल्प करवाता है राइट।
और मेरा जो उसी वंस वो इंटरफेस हो गया सेटअप में, देन वो लूप में वो कंटिन्यूस रन होता रहता है, कंट्रोल सरफेस डॉट लूप। ओके, तो यही था मेरा आर्डिनो कोड गाइस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बहुत ही इजी है, ठीक है, आप इसको मॉडिफाई भी कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, तो आई होप कि गाइस आपको आर्डिनो का प्रोजेक्ट, आर्डिनो का जो कोड था ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो चलिए इसको अपलोड करते हैं मेरे आर्डिनो मॉड्यूल में, लियोनार्डो में, एंड देन हमारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं। लेट्स सी द आउटपुट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैंने ऑलरेडी आपको ये समझा दिया है, इसका जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग था वो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट। एंड ये कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल भी मैंने आपको समझा दिया है, सर्किट डायग्राम समझा दिया है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो जो चाहिए इक्विपमेंट्स वो भी मैंने समझा दिया, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं गाइस, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे, अब इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। मेरा आर्डिनो यहाँ सेट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा वायरिंग थोड़ा ये है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, बस समझ जाइए, ठीक है। मैंने उतना टाइम नहीं लिया वायरिंग करने के लिए, ये सब करने के लिए, राइट। ओके, तो मेरा आर्डिनो यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, ये उसका जो यूएसबी केबल, राइट। मैं अभी इसको मेरे सिस्टम में कनेक्ट करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, अब मेरा सिस्टम कनेक्ट हो चुका है, और जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मेरा सारा जो आयर सेंसर है वो भी मतलब पावर ऑफ हो गया है, ठीक है, उसको अभी सप्लाई जा रहा है। ओके, तो अभी आप मेरा जो कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पे आप दिख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक जो मेरा एफ है, जो पियानो का एफ है, जो मिडी का एक एफ है, मैं उसको पहले यहाँ पे ओपन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं गाइस, एक सेकेंड। सो गाइस, जैसे कि आपका पहले वाले अटेम्प्ट मैंने आपको दिखा दिया एक गिटार का टोन, पियानो का टोन प्ले करके। ओके, सो अभी हम इसका टोन डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप ये ऐप देख रहे होंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट टोन यहाँ पे आपका चॉइस आपको ऑप्शंस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब किसी एक को चूज करके आप एक डिफरेंट टोन या फिर डिफरेंट म्यूजिक या डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं यूजिंग दिस आयर सेंसर, यूजिंग दिस मिडी डिवाइस दैट वी हैव मेड, राइट। सो चलिए फिर एक और डिफरेंट डिफरेंट टोन को ट्राई करते हैं इससे, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे जो आपका हारमोनिका है उसका मैंने सेट कर दिया है, ठीक है, तो चलिए इसको प्ले करते हैं। राइट, देखते हैं कुछ डिफरेंट और ट्यून प्ले करते हैं, राइट। हारमोनिका टेस्ट कर लिया, अभी क्या टेस्ट करें, अभी टेस्ट करते हैं हम यहाँ पे, ये क्या है, म्यूटेड गिटार का एक आ रहा है, ओवरड्राइव गिटार का एक आ रहा है, डिस्टॉर्शन गिटार का एक आ रहा है, चलिए डिस्टॉर्शन गिटार को ट्राई करते हैं, राइट। चलिए एक और ट्यून ट्राई करते हैं, यहां पे आपको एक दिख रहा होगा एक्यूस्टिक बास का एक दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो इसके नीचे और भी ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट। जैसे कि एक मिनट, इसको आप अगर स्क्रॉल करेंगे, इसका स्क्रॉल का बटन किधर है, हाँ ये रहा, अगर आप इसको यहां पे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, एक सेकेंड, मेरे एंगल से थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको, एक मिनट मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए, देखा, जैसे कि यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, आप बहुत सारी चीजों को ट्राई कर सकते हो इससे, जैसे कि यहाँ पे वायलिन का ऑप्शन है, चलो वायलिन को ट्राई करते हैं, राइट। अभी मैंने वायलिन को सेट कर दिया, अभी इसको भी प्ले करेंगे। ओके, चलिए वायलिन को प्ले करते हैं। आपको यहां पे एक सिमिलर टाइप का टोन बार बार सुनने को मिल रहा होगा,
सिमिलर टाइप का रिदम, नॉट टोन, रिदम मिल रहा होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफाइक नोट्स लिया हुआ है, जैसे कि C4, C3, G5, A5, A2, D4, ऐसे करके मैंने कुछ स्पेसिफाइक नोट लिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला पहला वाला आयर सेंसर को प्ले कर रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे एक टोन आपका, एक गिटार का, सॉरी एक पियानो का की यहाँ पे प्ले हो रहा है, एक्चुअल हो रहा है। सेकंड वाले को कर रहा हूँ, उसके दूसरे वाला, अब देख पा रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कीज यहाँ पे प्ले हो रहे हैं। तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ये ऑलरेडी मैंने इनको सेट करके दिया हुआ है प्रोग्राम में, राइट। अब अगर और डिफरेंट आयर सेंसर को यूज करेंगे, और ज्यादा आयर सेंसर, तो और अब ये पूरा का पूरा की, मतलब जो कीबोर्ड है, कीपैड है, उसको आप पूरा इसमें ये ऐड कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं इसमें और 10 आयर सेंसर लगा देता तो मुझे और 10 डिफरेंट कीज मिल जाते, नोड मिल जाते प्ले करने के लिए, राइट। तो चलिए फिर कुछ और नया ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया ऑर्केस्ट्रा हिट नाम का कुछ है, इसको देखते हैं ये क्या है। राइट, तो चलिए कुछ और डिफरेंट टोन ट्राई करते हैं, ओके। सो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है गाइस, साइफाई का, साइफाई को 104 में जो साइफाई, इसको टेस्ट करते हैं। सो गाइस, ये था हमारा प्रोजेक्ट इनविजिबल पियानो का, राइट। सो आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो काफी अच्छे से रन हो रहा है, काफी अच्छे से एक्चुएट भी हो रहा है, राइट। इसमें और भी कई सारे टोन है, कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप प्ले कर सकते हो। अगर आपने कुछ डिफरेंट ऐप भी आपके पास है, जो या फिर वो मोबाइल में एंड्रॉयड में हो, या फिर आपका आईफोन है आईफोन में हो, या फिर आपके लैपटॉप में हो, राइट, अगर वो मीडी सपोर्टेड है तो आप इसको यूज कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को वहां पे कनेक्ट करके ऐसे यूएसबी के साथ, जो लाइब्रेरी फाइब्रेरी जो मैंने बताया था जैसे आपको कनेक्ट करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है गाइस, राइट। सो आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप यूज कर सकते हो वहां पे, अगर कोई सिंथेसाइजर ऐप आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का कोई यूज करोगे तो वहां पे और ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट की नोट्स प्ले करने के लिए, ओके। सो गाइस, आई थिंक आज के लिए हम लोग का प्रोजेक्ट में बस इतना ही है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह का नया नया प्रोजेक्ट, कुछ नया आइडियाज आपके पास ला के आपको दिखाता रहूं, आपको एंटरटेन करता रहूं, आपको कुछ नया सीखने को मिले, तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइज, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा, और इसको शेयर करना भी मत भूलेगा गाइज। एंड ऑल्सो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए गाइज कुछ बहुत सारा टाइम लगता है, उसके साथ साथ ये जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हो, इसको खरीदने के लिए भी बहुत, मतलब पैसा और टाइम तो दोनों लगता है, राइट। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, इन फ्यूचर अगर मैं ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट ला पाऊँ, अगर वो पॉसिबल हो पाएगा, तो आप मेरे को मेरे पैट्रियन पेज में जाके उसका सब्सक्रिप्शन लेके मेरे को आप सपोर्ट कर सकते हो गाइस, राइट। और वहां पे मैं कुछ कुछ नया वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि आपको जो मेरा कंप्लीट वीडियो रहता है उसके अगर बैकग्राउंड में क्या क्या दिक्कत होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, बैक स्टोरी टाइप का आपको वीडियो का वहां पे मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट भी रहेगा, वहां पे कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, राइट। सो प्लीज मेरे को पैट्रियन में भी सपोर्ट करेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दिया है, राइट। एंड ऑल्सो गाइज, जितना भी मेरा यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी यूज किया हुआ है, आर्डिनो कोड यूज किया हुआ है, राइट, इवन ये जो ऐप भी यूज कर रहा हूँ इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके इसको डाउनलोड करके सब चीजों को आप रन कर सकते हो, राइट। सर्किट डायग्राम मैं वहां पे डाल दूंगा, ओके। सो गाइज, आई होप आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा, राइट। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।